महाविद्यालय के छात्र इतने कमजोर रहे कि पासिंग मार्क्स भी ना ला सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हाल ही में घोषित एमए प्रथम वर्ष विषय का परीक्षा परिणाम से विद्यार्थी नाखुश हैं। 80 विद्यार्थियों में से 61 विद्यार्थी फेल हैं। 15 विद्यार्थियों की एक या दो विषय में एटिकेटी व कुल 4 विद्यार्थी पास हैं, जिसे लेकर छात्रों में असंतोष है। छात्र संगठन के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों की बात रखते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम एक ज्ञापन पीजी कॉलेज प्रचार्य को सौंपा गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संबंधित छात्रों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद के भाग संयोजक विकास शिवहरे का कहना है कि बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इतना कमजोर नहीं हो सकता कि एमएससी परीक्षा में पासिंग मार्क्स तक ना ला सके, क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेल किया गया है, जो विश्वविद्यालय की कॉपी जांचने के तरीके पर सवाल उठाता है। अतः विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि बिना शर्त एमएससी प्रथम वर्ष बॉटनी के विद्यार्थियों की कॉपियां पुनः जांच की जाएं व पुनः परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी विश्वविद्यालय की होगी। परीक्षा का प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी क्या एमएससी में परीक्षा में इतने भी पासिंग मार्क्स नहीं ला सकता? विद्यार्थी परिषद का मानना है कि महाविद्यालय का छात्र इतना कमजोर नहीं हो सकता, अतः छात्र हितों में संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों में सदैव आपसे छात्र हितों को अवगत कराता आया है। उसी कड़ी में हाल ही में घोषित हुए एमएससी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में बॉटनी विषय के 80% किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो समय समय पर विद्यार्थियों की समस्याओं को विश्वविद्यालय और विद्यालय के सामने उठाता रहा है। उसी कड़ी में एमएससी प्रथम वर्ष बॉटनी सब्जेक्ट के का परीक्षा परिणाम अभी हाल ही में घोषित हुआ है, जिसमें 80 में से 61 विद्यार्थी पूरी तरह फेल हैं और बाकी 4 बच्चों को छोड़कर बाकी सब विषयों में किसी न किसी की एटीकेटी है, एक सब्जेक्ट में 2 में। तो विद्यार्थी परिषद का ऐसा कहना है कि बीएससी और प्रथम श्रेणी में पास करने वाला विद्यार्थी इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि वो एमएससी के परीक्षा में 2-5 नंबर भी ला सके। अतः विद्यार्थी परिषद ऐसी मांग करती है कि एमएससी प्रथम वर्ष बोर्डनी की परीक्षाओं का पुनः मूल्यांकन कराकर पुनः परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, ताकि इन विद्यार्थियों का साल बर्बाद होने से बच सके, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन की बाध्य हो। अभी आपने ज्ञापन दिया तो प्रिंसिपल सर का क्या आश्वासन रहा? प्रिंसिपल सर का कहना था कि विद्यार्थियों ने सही लिखा नहीं होगा, पर हमारा कहना ये है कि 61 विद्यार्थी ऐसे नहीं होंगे, 61 में से 2-5 तो ऐसा होगा कि ठीक से लिखा होगा। मैं कहता हूँ 2 आंसर भी अगर ठीक से लिखे होंगे तो 8 नंबर तो उनके तो भी आते। ये गुना का रिजल्ट रहा क्या बाहर का भी? ऐसे गुना के अलावा भी सभी जिलों में ऐसा। क्या नाम है आप? विकास शिविर है, भाग सही जगह।